छुड़ाण वल। यहोशू का मुरण का बाद इजराइलियों ला परमेश्वर की आज्ञा निमाण ऊल परमेश्वर का नियमों को पालन निकैरी और ऊल वे करार का मुल्क बटी बचया कनानियों ते भैरनी निकैल। इजराइलियों अपड़ा सच्चा परमेश्वर यहोवा थे छोड़ी के कनानियों का देवतों की उपासना कन शुरू कर दिया है। इजराइलियों में कोई राजा नहीं छो, इले जौते जो ठीक लगी वेल उई कर। परमेश्वर की आज्ञा निमानना का द्वारा इजराइलियों ल एक पद्धति थे शुरू कर दिया है, जैते कई बार दोरे गे छो। यूनियम इनके चली कुछ सालों तक इजराइली परमेश्वर की आज्ञा निमानला, तब ऊते ऊका दुश्मनों बटी हारना का द्वारा दंडित करला। यू दुश्मन इजराइलियों बटी ऊकी चीजों ते लूट दियाला, ऊकी संपत्ति ते नाश कर दिया और ऊमा बटी बहुतों ते मार दियाला। फिर जब इजराइलियों का दुश्मन ऊ पर कई सालों तक अत्याचार करला, वे के बाद इजराइली परमेश्वर अपना पापों को पश्चाताप करला और परमेश्वर बटी ऊते बचाणु खुणी प्रार्थना करला। हरेक बार जब इजराइली पश्चाताप करला तो परमेश्वर ऊते बचाल। वो एक छुड़ण वाला का बदौलत इन करुलो, एक इन जन जो ऊका दुश्मनों का खिलाफ लड़ लो और ऊते हरे दयाल। तब मुल्क में शांति होली और ऊ छुड़ाण वालों ऊ पर अच्छे से शासन करुल। परमेश्वर ऊ लोगों ते बचाणु खुणी बहुत से छुड़ाण वालों ते भेजी। परमेश्वर अला समणी का एक दुश्मन जाति मिद्यानियों का द्वारा इजराइलियों ते हराण वालों का बदौलत फिर इन कैर। मिद्यानियों ले 7 सालों तक इजराइलियों की फसलों ते लूटी। इजराइली लोग बहुत डर गए छा, वो एक उड्यार में लुक गए न ताकि मिद्यानी लोग ऊते खुजे नहीं सकुन। आखिरकार ऊते बचाणु खुणी ऊला परमेश्वर ते पुकारी। गिदोन में का एक इजराइली आदिम छो, एक दिन वो एक गुप्त जगह में गेहूँ झड़ून छो ताकि मिद्यानी लोग वे ते चुरा नहीं पाओ। यहोवा का एक स्वर्गदूतल गिदोन मु ऐ कि दौ बोली, हे बलवान सूरमा, परमेश्वर त्वे दगड़ छ जो और इजराइलियों ते मिद्यानियों बटी बचाए। गिदोन का बुबा का समणी मूर्ति को समर्पित एक वेदी छे। सब बटी पहली बात जो परमेश्वर गिदोन ते कनुखुण बोली उवी वेदी ते तुन छो, पर गिदोन लोगो बटी डर्द छो किले की वेला रात होने को इंतजार कैरी। तब वे लवी वेदिते तोड़ी के कतर कतर कैर दिन। ऊल परमेश्वर खुणी एक नई वेदिते बनाई और वे पर परमेश्वर खुण बल चढ़े। भोल सुबेर लोगों ने देखी कि कैल वेदिते तोड़ी के कतर कतर कैर दिन। वो बहुत गुस्सा हुए न, वो गिदोन थे मरण खुणी वे का घर गए न। पर गिदोन का बुबल बोली, तुम किले अपने देवतों की मदद करने को कोशिश करना छा, अगर वो देवता छ तो ऊते अपनी रक्षा खुद कर दिया। किले की वेल इन बोली, इले लोगों ल गिदोन ते निमार। तब इजराइलियों ते लुटनो खुणी मिद्यानी लोग फिर से ऐनी। वो इतक सारा लोग छा कि ऊकी गिनती भी निकरे जा सके छे। गिदोन ल ऊका खिलाफ लड़नो खुणी इजराइलियों ते एकदम बुलाई। गिदोन ल परमेश्वर बटी 2 चीजों की मांग करी ताकि वे ते विश्वास हो जाओ कि परमेश्वर सच में वे ते इजराइल ते बचाणु खुणी बोलणु छ। पहल निशाणु खुणी गिदोन ढिबरों की ऊन ते भूमि पर रखी के परमेश्वर बटी बोली कि सुबेरो को पाल सिर्फ ढिबरों की ओए ऊन पर पोड़ू और भूमि पर नहीं पोड़। परमेश्वर अला इन्नी कह बोल रहे तेल। परमेश्वर बटी बोली कि भूमि गीली वे जो पर ढिबरों को ऊन सुखी रहो। परमेश्वर अला इन भी कैर। यूं 2 निशानों का कारण गिदोन विश्वास करी कि परमेश्वर सचमुच आंच कि वो इजराइलियों ते मिद्यानियों बटी बचाल। तब गिदोन अला सिपाहियों ते आप मां बुलाई और 32,000 आदि मैन। पर परमेश्वर अल वे बटी बोली, यु बहुत ज्यादा छ, अतो गिदोन अला ऊ सभी 22,000 ते घर भेज दिया जो लड़े बटी डरद छा। परमेश्वर अल गिदोन बटी बोली कि ये आदि अभी भी बहुत ज्यादा छन, इले गिदोन अला 300 सिपाहियों ते छोड़ी के ऊ सभी ते घर भेज दीन। वी राती परमेश्वर अल गिदोन बटी बोली, मिद्यानों को डेरा मजा आर ऊते बात कर द सुन। तब तू सुन ली कि ऊ की बात कर द छन, तो तू ऊ पर हमला कन से निडर। इले वी राती गिदोन
मुड़ ऐ के डेरा में गई और वेल एक मिद्यानी सिपाही ते अपड़ा दगड़े ते वो बात सुन दो सुनी जो वेल सुपने में देख छो। वे आदमी का दगड़ल बोली, ये सुपने को मतलब छ कि गिदोन की सेना हम मिद्यानी सेना ते हरे दियाली। जब गिदोन अलियो सुनी तो वेल परमेश्वर की बड़ाई कर। तब गिदोन अपड़ा सिपाहियों में लौटी और वे में बैठी हर एक ते एक एक नरसिंगा एक माटा को भांडो और एक मिसाल दिया। उन लवे डेरते घेरियाली जख मिद्यानी सिपाही सेना छा। गिदोन का 300 सिपाहियों लो अपनी मिसालों ते भांडो बैठी ढकाया छा, इले मिद्यानी लोग उन मिसालों को उजलते नि देख सका छा। तब गिदोन का सभी सिपाहियों अपना माटा भनोते एक ही बगत पर तोड़ी के अचानक मिसालों की आग ते प्रगट कर दिया। ऊ लपड़ नरसिंगा फूकिन अर चिलैन अर गिदोन की तलवार यहोवा की। परमेश्वर मिद्यानियों ते डराय दिया, इले ऊ एक दूसरे ते मरण कटन लगिन। जल्दी ही गिदोन रे बारियों ते बहुत सी और इजराइलियों ते मिद्यानियों को पीछा कन मा ऊ की मदद कनु को बुलाणु खुणी भेजी। ऊ ला ऊ बटी बहुतों ते मार दिन अर बक्यों को पिछनी कर के इजराइल मुल्क बटी बहर निकल गिन। वे दिन 120,000 मिद्यानी मरे गे छा। ये तरह परमेश्वर इजराइल ते बचाए। उ लोग गिदोन ते अपनो राज बनाना चाहंद छा, पर गिदोन अल ऊ ते इन निकन दिया, बल्कि वेल वे ते ऊ सोना का गहन मांगी जो ऊ मटी हरेकल मिद्यानियों बटी लूट लिया छो। ऊ लोग बहुत ज्यादा गिदोन ते सोन दे। तब गिदोन अल वे सोना बटी एक खास कपड़ा पहनेनी जन महायाजक पैरत छो, पर लोगों वे की उपासना करन शुरू कर दिया जन की वो एक मूर्ति हो। तब परमेश्वर फिर से इजराइल थे दंड दिया, किले की उन मूर्ति की उपासना कर छे। परमेश्वर उनका दुश्मनों थे हरान में मजबूत कैरी। आखिरकार उन फिर से परमेश्वर बटी मदद का नुकुणी प्रार्थना कर, अर परमेश्वर उमा ऊँ थे बचाणु खुणी एक और छुड़ाण वाले थे भेज। ये बात कई बार होनी रही, इजराइली लोग पाप करला परमेश्वर उन थे दंड दिया लो, उपश्चाताप करला और परमेश्वर ऊँ थे छुड़ाणु खुणी कहते भेजुल। कई सालों तक परमेश्वर बहुत सा छुड़ाण वालों थे भेजी जौला इजराइल ते ऊँ का दुश्मनों बेटी बचे। आखिरकार ऊँ लोगोला और मुल्कों का जन परमेश्वर बेटी अप खुणी एक राजा की मांग करी। वो एक इन राजा चांद छा जो लंबो और शक्तिशाली हो और जो लड़े माँ ऊँ के अगुवे कर सो। परमेश्वर ते यह विनती पसंद नहीं आई, पर परमेश्वर ऊँ ते उन राजा दियाई जनूल मांग छो। न्यायियों अध्याय 1-3, 6-8, पहल सैमुएल 1-10 बटी एक बाइबल की कहानी छ।